સંઘ પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલી અને દમણમાં કોરોના સંક્રમણને અટકાવવા માટે રાત્રિના 10-5 વાગ્યા સુધીનું લાગુ કરવામાં આવેલું કર્ફ્યુનો ચુસ્તપણે અમલ કરવામાં આવી રહ્યો છે. પ્રશાસન સ્થળ એવા દમણ, દીવ અને દાદરાનગર હવેલીમાં કોરોનાના કેસો મળી આવતા પ્રશાસન દ્વારા આગામી 31 માર્ચ સુધી રાત્રિના 10-5 વાગ્યા સુધી કર્ફ્યુ લાગુ કરી દેવામાં આવ્યો છે. ये आप हम सब लोग जानते हैं, सारे कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स में जैसे गुजरात महाराष्ट्र में केसेस इंक्रीज़ हो रहा है और दमन में भी केसेस आर इंक्रीजिंग. सो इसलिए थोड़ा स्ट्रिक्ट मेशर्स लेना पड़ा. सो दैट इज़ वाई यूटी ऑफ डीएनएच एंड डीडी में नाइट कर्फ्यू इम्पोज के हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से. सो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है. अच्छा, ये जो कर्फ्यू रहेगा उस टाइम पर किस तरह का सिक्योरिटी पर्पस दिया गया है? नहीं, इसमें नाइट कर्फ्यू के लिए नोबडी कैन कम आउट फ्रॉम देयर हाउसेस, सारे एस्टैब्लिशमेंट्स वगैरह बंद होगा. खास करके मैम यहाँ पर ज्यादातर जो बार एंड रेस्टोरेंट है उन लोगों के लिए अगर ये 10 बजे तक बंद रहेगा, पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 10 बजे के बाद निकलेंगे. तो बाद कोई भी बाहर नहीं निकल सकते ना, अगर नाइट कर्फ्यू इम्पोज हो गया नोबडी कैन कम. सो फिर ये होटल्स वगैरह फिर फंक्शन कैसे होगा? खास करके हमारे यहाँ अगर कोविड की बात की जाए और अब तक में कितने केसेस है और किस तरह से हमारी पूरी तैयारियाँ हैं? सो अभी हम देखते हैं कि अभी आज के दिन में वी हैव अराउंड 90 केसेस के ऊपर है एंड लगभग डीएनएच और दमन में 40 केसेस है और दीव में 8 केसेस है. सो ये सारे केसेस हम देखते हैं कि सारे पेशेंट्स का ट्रैवल हिस्ट्री है या अदरवाइज ट्रैवल हिस्ट्री जिनके पास है उनके साथ कांटेक्ट है. सो इसलिए हमने अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो कल गाइडलाइंस इशू किए हैं उसमें जो होटल्स रिसॉर्ट्स या इंडस्ट्री में एग्जीक्यूटिव्स आते हैं बाहर स्टेट से आते हैं जो हाई प्रिवेलेंस स्टेट से आते हैं, सो फिर उन्होंने नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट्स लेके आना है नंबर वन. और नंबर टू जो नाइट कर्फ्यू इम्पोज किए हैं वो हमने पहले बात कर चुके हैं. एंड नंबर थर्ड इज़ दैट स्कूल्स स्टैंडर्ड 8th तक क्लोज हो गए हैं और कॉलेजेस भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए बोल दिए बिकॉज ये बहुत सारे कॉलेज के जो बच्चों हैं बाहर नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं. सो इसलिए कॉलेजेस भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए आज से शुरू हो गए. सो ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गए. एंड जो हमारे प्रोटोकॉल्स इशू किए हैं SOPs इशू किए हैं फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज़ के लिए या होटल्स के लिए रिसॉर्ट्स के लिए एंड जिम्स स्पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के लिए, सो उसको पालन करने के लिए भी इंस्ट्रक्शंस में दिए हैं. खास करके हमारे यहाँ के लोगों की बात की जाए और जो टूरिज्म बेस है ये जाने वाले हैं उनको लिए तो क्या हम अपील करेंगे उन लोगों को, क्या ध्यान में रखें उन लोगों? यस, ये हमारा अपील ये है कि हमारी टेरिटरी बहुत छोटी है, अगर केसेस बढ़ जाते हैं देन इट कैन स्प्रेड वेरी वेरी क्विकली. सो हमारे निवेदन है टूरिस्ट से ये है कि अगर वो इट इज़ बेटर टू अवॉइड ट्रैवल, अगर वो आते भी हैं देन उनके पास RT-PCR का 72 आवर्स पहले जो RT-PCR का नेगेटिव रिपोर्ट है वो होना चाहिए. अगर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस पे कोई भी आते हैं फिर हम टेस्ट करके ही उनको अलाउ करेंगे. सो इस इंस्ट्रक्शंस हमने सारे होटल एसोसिएशन को भी दे दिए, दे आर ऑल्सो फॉलोइंग इट. अगर किसी ने आ गए फिर भी टेस्टिंग फैसिलिटीज भी हमने बढ़ा दिए हैं, सो इसलिए यहाँ पर आके भी टेस्ट कर सकते हैं, बट वो लॉस्ट ऑप्शन है. सो हमारे ये निवेदन है सभी से, सभी टूरिस्ट से कि उन्होंने अगर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस पे दमन या सिलवासा या दीव में आना चाहते हैं फिर उन्होंने अपने नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट के साथ ही आना है. खास करके वैक्सीन की बात की जाए, हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन चल रहा है किस तरह से, कितनी प्रगति में है? हमारे वैक्सीनेशन जो हेल्थ के फर्स्ट वन में हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए था और फेज टू में फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए था. सो हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स में बहुत अच्छे परसेंटेज है, 90% के ऊपर लोगों का वैक्सीनेशन हो गए. अभी जो अबाउ 60 एंड 45 ईयर्स का वैक्सीनेशन वो भी 40% के ऊपर है.